गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। SST में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था ना लास्ट वीक, आपको याद हो, मॉडल्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है ना बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ी है इसलिए हम अर्थ को स्टडी करने के लिए पूरे अर्थ पे तो घूम नहीं सकते हैं। इसके लिए हमने उसके छोटे छोटे क्या बना दिए हैं, मॉडल्स बना दिए हैं। तो उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब ये जो मॉडल्स ऑफ अर्थ हैं, 2 टाइप्स के हैं। एक हो गया 3D मॉडल, इसको बोलते थे ग्लोब, क्या बोलते थे, ग्लोब। अर्थ का मिनी मॉडल है वो, एक तरीके से 3D स्ट्रक्चर में। एंड सेकेंड जो मॉडल था उसे बोलते थे मैप, क्या बोलते थे, मैप। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था। ग्लोब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो मॉडल्स ऑफ अर्थ है इसमें ग्लोब फर्स्ट नंबर पे, ये ग्लोब ऐसे दिखता था, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैप। अब मैप क्या होता है, कैसे अगर अर्थ का एक मैप बनाना हो तो कैसे आप बना सकते हैं, और मैप होता क्या है। आपकी कॉपी में पेज है ना, वो पेज क्या होता है, 2D डायमेंशनल होता है, उसमें लेंथ एंड ब्रेथ है। तो जो 2D डायमेंशनल है वो आपने एक पेज लिया, उस पेज पे अगर हम चाहें तो अर्थ का डिज़ाइन बना सकते हैं, अर्थ का बना सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप अपने घर पे हैं और घर से किसी सिटी में जाना है, उस सिटी से घर से लेके, यहाँ से सपोज करिए घर है और यहाँ पे सिटी पे जाना है, तो घर से सिटी तक जाने के लिए किस रूट से हो कैसे जाएंगे, तो जो ड्रॉ करते हैं वो भी एक तरीका का क्या होता है, मैप होता है। कि यहाँ से 10 किलोमीटर ईस्ट जाना है, देन वेस्ट जाना है, ये सारी चीज़ें। वैसे ही अर्थ के सरफेस पे जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, माउंटेन्स है, रिवर्स है, लेक्स हैं, कंट्री हैं, स्टेट्स हैं, फर्दर डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट्स में, इन सबको भी हम किस पे, एक 2D पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं, उसी बोलते हैं मैप। तो मैप क्या हो गया, अ मैप इज़ अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस पे अगर हम अर्थ को ड्रॉ कर पा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, क्लोथ, वॉल, ETC। ये जो मैप है आप इसको पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप कपड़े पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और दीवार जो है घर पे उसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं। इट कैन शो द ड्रॉइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। जब भी आप मैप बनाएंगे, ठीक है, ये मैप का पिक्चर है, जैसे हमारी कंट्री का क्या नाम है, इंडिया, तो ये इंडिया का क्या है, एक मैप है। तो मैप पे आप किसी भी छोटे से एरिया का मैप बना सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। किसी बहुत बड़े एरिया को बनाना हो, पूरे वर्ल्ड को बनाना हो, उसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्मॉल एरिया, आप जिस विलेज में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, उसको अगर चाहें ड्रॉ करना तो हम एक पेपर पे उसको ड्रॉ कर सकते हैं, या पूरे वर्ल्ड को ड्रॉ करना चाहें तो उसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इट कैन बी इजली फोल्डेड, आप इसको इजली फोल्ड भी कर सकते हैं। क्यों, वो तो पेज है ना, पेज फोल्ड करके आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, रोल्ड उसको आप मोड़ भी सकते हैं। देयर फोर इट इज ईजी टू कैरी इट एनी वेयर, इसीलिए कैरी मीन्स क्या होता है, लेके जाना, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। आप इसको जब रोल करेंगे, फोल्ड करके पॉकेट में रखेंगे, तो आप अपने घर से स्कूल भी ला सकते हैं, स्कूल से कहीं और भी जा सकते हैं लेके। बट ग्लोब के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ग्लोब तो एक 3D मॉडल है ना। 3D मॉडल कैसे, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को क्या आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, क्या फोल्ड करके बैग में रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं ना। वैसे ही जो फुटबॉल है वो समझिए हमारी अर्थ है, और आपके बुक में एक पेज जो है, पेज एक पन्ना फाड़िए वो समझ लीजिए, वो आपका मैप हो गया। तो कौन दोनों में इजी होगा, कहीं लेके जाना, ऑफ कोर्स पेज जो है इजी है, कहीं भी लेके जाना, फुटबॉल आप नहीं लेके जा सकते। तो जो फुटबॉल है वो हमारी अर्थ का जो मॉडल है उसे बोल दिया ग्लोब, और जो पेज है उसे बोल दिया मैप। तो ये इंडिया का मैप है, ये हमारी कंट्री है। इसमें अलग अलग कलर्स देख रहे हैं ना, ये कलर्स हैं, ये अलग अलग कलर्स क्या डिनोट कर रहे हैं, कंट्री को कितने कैपिटल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, डू यू नो, अ बुक ऑफ द मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। जिस बुक में ढेर सारे मैप्स बने होते हैं किसी भी कंट्री के, कॉन्टिनेंट के, उस बुक को हम लोग बोलते हैं एटलस। मीन्स एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स। एटलस क्या है, बहुत सारे मैप्स का एक बुक होता है आपकी बुक्स में, जैसे SST की बुक है, इसको अपने बोल दिया सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया बोला तो इसमें चैप्टर्स बने हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर।
तो आपने उसमें SST पढ़ा है, जरूर कह रहे हैं उसे SST की बुक है, सोशल मीडिया की बुक है, सोशल स्टडीज़ की बुक है। वैसे ही वो जो आपके पास बुक है उसमें केवल मैप्स बने होते हैं, मैप्स, इंडिया का मैप, एशिया का मैप, अफ्रीका का मैप, किसी कॉन्टिनेंट का मैप, अलग कॉन्टिनेंट का मैप, किसी कंट्री का मैप से बना होता, तो उसे क्या बोलते थे, एटलस।